हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो वेलकम अगेन। सो दिस इज़ आवर क्लास नंबर 4। ठीक है, वी वर कवरिंग पॉलिटी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नवंबर का जो करंट अफेयर्स वीडियो है वो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना, ठीक है। और उसकी जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, ठीक है। सो होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको देख लेना एंड नोट्स बना लेना, ठीक है। और उसको बस कुछ नहीं करना, रटना नहीं है उसको, बस एक बार पढ़ना है, ठीक है। और वो हो जाएंगे यार याद, डोंट वरी। सो यार, उस वीडियो में ना थोड़ा सा आपको नॉइज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी। सो यार, मैंने बाद में देखा वो, सर सॉरी फॉर डैट। आप लोग यार कर लेना थोड़ा एडजस्ट, बिकॉज आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस। सो मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो हम पॉलिटी कवर कर रहे थे अपनी, ठीक है। और हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस पॉलिटी की कर चुके हैं, ठीक है। 3 क्लासेस जिनमें हमने क्या क्या कवर किया, जिनमें हमने कवर किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन होता है, कैसे इलेक्शन होता है, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद हमने कवर किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन हमने कवर किया था प्राइम मिनिस्टर, देन हमने कवर किया था सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हमने ये कवर किया था। एंड देन इफ यू हैव कवर्ड, हमने क्या कवर किया था, हमने कवर किया था गवर्नर, गवर्नर देन चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो गाइस, ये सब टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल कवर अबाउट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स की गवर्नमेंट होती हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 13 ऑफ लक्ष्मीकांत, ठीक है। जो आपकी लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 13 है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। सो हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देयर बेसिकली यार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। दो टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारे पास। वन इज़ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट होती है वो होती है यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, UNITARY, यूनिटरी गवर्नमेंट। सो हमारे पास दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है, तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी गवर्नमेंट यूनिटरी होती है, कौन सी फेडरल होती है, इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है, US में कैसी है, यही सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले बात करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारी मोदी जी की सरकार है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट, स्टेट या रीजनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों होती हैं, ठीक है। और दोनों की पावर्स जो कहाँ से डिवाइडेड है, दोनों अपनी पावर्स ड्रा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, ठीक है। ये दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिसिस्ट इसमें होता है ना, इसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसी को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं होती है, लेकिन 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 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना, अगर वो चाहे तो बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मे क्रिएट स्टेट गवर्नमेंट, ये उसकी मर्जी होती है, बनाए या ना बनाए, ठीक है। लेकिन फेडरल स्टेट में ऐसा नहीं होता, फेडरल में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। और लेकिन यूनिटरी में ऐसा नहीं होता, यूनिटरी में केवल सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती, ठीक है। जो सेंटर है ना, वो एक मतलब एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होती है, और वहीं से पूरे देश के ऊपर रूल किया जाता है, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट में। सो जो हमारा इंडिया है उसमें क्या है, ठीक है, कौन सी गवर्नमेंट है, ये आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट भी है, ठीक है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, ठीक है, सेंट्रल दैट इज़ यूनियन, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी, जितनी भी स्टेट्स हैं सब में अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है। सो इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, सो इंडिया में है फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट। बट जो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, फेडरल सिस्टम, इसमें कुछ फीचर्स तो हमारे जो फीचर्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है, फीचर्स हैं जो कुछ फीचर, वैसे तो वो है फेडरल गवर्नमेंट, सो फेडरल गवर्नमेंट है तो उसमें फेडरल के ही फीचर्स होंगे, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट के ही फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें यूनिटरी गवर्नमेंट वाले भी हैं,
यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स भी हैं कुछ, ठीक है। सो हम उसी के बारे में कवर करेंगे, कौन से फेडरल फीचर्स हैं, कौन से यूनिटरी फीचर्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, फेडरल सिस्टम है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें फेडरल ऑफ स्टेट्स की बजाय इंडिया को फेडरल ऑफ स्टेट्स की बजाय मेंशन किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल गवर्नमेंट है लेकिन ये वर्ड जो है ना ये यूज़ नहीं किया गया है, इसके जगह पे यूज़ किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऐसा क्यों? गवर्नमेंट तो फेडरल लेकिन ये वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया गया है, ये यूज़ किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो ऐसा क्यों है? सो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारी जो यूनियन है ना, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ इंडिया, ठीक है। ये दो रीजंस की वजह से है, ठीक है, ठीक है। जो हमारी इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कोई एग्रीमेंट नहीं है उन स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, कि हम सब आपस में मिल जाते हैं और एक देश बना लेते हैं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। सो देयर इज़ नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, ठीक है, ठीक है। जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो चाहे तो स्टेट्स बना भी सकती है, चाहे उनको एबोलिश कर सकती है या फिर उनको दोबारा से मतलब चेंज कर सकती है उनमें, ठीक है। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है हमारे स्टेट्स का सेंटर्स के साथ कि, ठीक है, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में जैसे जैसे ये स्टेट्स हैं, चार स्टेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये चारों स्टेट्स आपस में एक एग्रीमेंट बनाती हैं कि हम अपना एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। ये चारों अगर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया और ये चारों अपनी एक कंट्री बना लें, ठीक है, तो ये कहलाएंगी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अगर ये चारों स्टेट्स हैं मान ले और ये चार स्टेट्स मिलके अपनी एक कंट्री बना लेती हैं तो हम इनको बोलेंगे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट्स तो हैं अलग अलग लेकिन उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। सो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो दैट इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, दे आर यूनाइटेड, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उन स्टेट्स को बना सकती है, दो स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना सकती है या फिर एक स्टेट के दो हिस्से कर सकती है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यू कांट मेक न्यू स्टेट्स और डिवाइड, ठीक है। तो फेडरल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यूएस है, यूएस इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यूएस क्या एक फेडरेशन है स्टेट्स का, उसके स्टेट्स के बीच में एक एग्रीमेंट है, ठीक है, ठीक है। दैट्स एंड दैट यूएस इज नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला रीजन व्हाई इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये तो पहला रीजन है, बिकॉज द इंडियन फेडरेशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, लाइक ऑफ यूएस फेडरेशन, ठीक है। और तो दूसरा ही रीजन क्या है इसको यूनियन बोलने का, दूसरा रीजन ये है कि स्टेट्स हैव नो राइट्स टू सीड फ्रॉम यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट्स हैव नो राइट। जो हमारी जो स्टेट्स है ना भाई, ठीक है, नो राइट्स, उनके पास कोई राइट नहीं है कि हाँ भाई चलो तुम देश से अलग हो जाओ, नो राइट्स टू सीड फ्रॉम फेडरेशन या यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारी स्टेट्स है उनको ऐसा कोई राइट्स नहीं दिया गया है कि हाँ भाई जब तुम्हारा मन करे जब तुम देश को छोड़ के अपना एक अलग देश बना सकते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई राइट्स नहीं है इंडिया में। सो बेसिकली दीज आर द टू रीजन्स व्हाई इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट। पहला क्या है, देर इज़ नो एग्रीमेंट, ठीक है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, बट US Federation is a result of agreement of states, ठीक है। Second reason क्या है, states have no rights to secede from the Federation. So ये तो हमने बात की, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा जो मॉडल है वो कौन से कंट्री के ऊपर बेस्ड है, जो इंडियन फेडरेशन सिस्टम है, इंडियन फेडरल सिस्टम या भी कुछ भी कह लो, ठीक है, इंडियन फेडरल सिस्टम ये किस देश के ऊपर बेस्ड है। दिस इज बिल्ड ऑन कनेडियन मॉडल, ठीक है, एंड नॉट ऑन अमेरिकन, कनेडियन स्पेलिंग यार, दिस इज बेस्ड ऑन कनेडियन मॉडल,
एंड नॉट ऑन अमेरिकन, यूएस के मेडल मॉडल पे ये बेस्ड नहीं है, बिकॉज यूएस इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड इंडिया, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। सो ये था आपका व्हाई इंडिया इज़ कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में, जो हमारे है वो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है हमारे अंदर, ठीक है। सो फेडरल गवर्नमेंट है तो इसके कुछ फीचर्स भी होंगे जो हमारे, जो अब ये पहले बात तो ये गवर्नमेंट बनती कैसे है। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था ना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कौन सी गवर्नमेंट होनी चाहिए। उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो फेडरल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी होगी और जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन था उनके पास कि यूनिटरी गवर्नमेंट बना लेते हैं जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये वाला ऑप्शन चुना, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं भाई यार, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने से काम नहीं चलेगा, रीजनल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए फॉर द बेटर कोऑपरेशन, ठीक है। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने चूज़ किया फेडरल मॉडल, ठीक है, एंड नॉट ए यूनिटरी मॉडल, ठीक है। सो इनके कुछ फीचर्स हैं, तो हम पहले इन फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसमें फेडरल गवर्नमेंट के कौन से फीचर्स लिए गए हैं। सो सबसे पहला फीचर ड्यूअल पॉलिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है, ठीक है। मतलब ड्यूअल पॉलिटी का मतलब क्या है, एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट्स की भी अपनी एक अलग से गवर्नमेंट होगी, दैट इज़ स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूअल पॉलिटी। तो ये कौन सा फीचर्स है, ये एक फेडरल फीचर ही तो है, अभी हम फेडरल फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं गाइस, ठीक है, फेडरल फीचर्स, ठीक है, ठीक है, दिस इज द नंबर वन। सो सेकंड फीचर्स कौन सा है फेडरल सिस्टम का हमारे पास, सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर होता है, नॉट एंड नॉट ए यूनिटरी, यूनिटरी गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है जिसमें एक प्रीमेबल है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे से डिटेल में पढ़ेंगे, प्रीमेबल है, ठीक है। फिर उसमें आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स हैं, अराउंड 470 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, विच आर डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है, जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास 470 आर्टिकल्स हैं विच आर डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स, ठीक है, एंड देर आर 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये सब ना इस रिटन है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। थर्ड फीचर क्या है फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है, थर्ड फीचर है डिविजन ऑफ पावर्स, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उन दोनों की पावर्स अलग अलग से डिसाइडेड हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया गया है कि भाई ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप रूल बना सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाया गया है, अभी तुम्हारे टॉपिक्स ये हैं, तुम इनके ऊपर रूल बनाओ, ठीक है। सो इस टाइप से मैंने तीन लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, तीन लिस्ट बनाई हुई है इस टाइप से। सो लिस्ट क्या क्या, एक होती है हमारे पास यूनियन लिस्ट, ठीक है, ठीक है, दूसरी होती है हमारे पास स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन होती है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ टॉपिक्स डाले जाते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है केवल वो उनके ऊपर रूल या फिर कुछ भी बना सकती है, ठीक है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, ठीक है। जो स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट डाले गए हैं जिनके ऊपर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल या फिर लॉ बना सकती है, ठीक है। वो जो कंकरेंट लिस्ट है ना गाइस, उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मतलब दोनों यूनियन भी डिसाइड कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी डिसाइड कर सकती है, जैसे जैसे हमारा हो गया एजुकेशन ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकता है। यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट में लाइक डिफेंस,
एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट निपुण जो भी चीज़ें नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होती है ना वो आती है यूनियन लिस्ट में, जो स्टेट से रिलेटेड होती है वो आती है स्टेट लिस्ट में, और जिनके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं वो आती है कनकरेंट लिस्ट में, ठीक है, कनकरेंट। सो अभी एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ जो ये यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट इसके अंदर 98 सब्जेक्ट्स हैं, 98 मतलब 98 सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है, ठीक है। इन स्टेट गवर्नमेंट में 59 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जिनके ऊपर दोनों वो स्टेट जो है वो रूल बना सकती है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ कंकरेंट लिस्ट इसके अंदर गाइस 52 सब्जेक्ट्स हैं, 52 जिनके ऊपर दोनों स्टेट भी और सेंटर भी रूल बना सकती है। लेकिन मान लो अगर कोई है कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक और उसके ऊपर दोनों ने रूल बना दिया, उसके ऊपर स्टेट ने भी बना दिया एंड उसके ऊपर सेंटर ने भी बना दिया और दोनों के बीच में हो गया झगड़ा, तो उस केस में ना गाइस सेंटर का जो लाभ है ना वो चलेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फीचर हम कौन सा है फेडरल स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट कौन सा है जो हमारे हम इंडियन इंडिया में बात कर रहे हैं कि इंडिया में जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हमने तीन फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, पहला कौन सा था ड्यूअल पॉलिटी, सेकंड था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड थर्ड था डिवीजन ऑफ पावर्स, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट इज नंबर 4, इसमें कहता है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें जो लिखा हो ना वो बात क्या है, वो पत्थर की लकीर है, आप उसको डिसओबे या डिस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड दैट इज़ अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 5, फीचर नंबर 5 कौन सा है हमारा, 5, 5 नंबर 5 पे आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना वो एक तो होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना उसको अमेंड करना मुश्किल होता है, उसको आप आसानी से बदल नहीं सकते, वो होता है डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको आप इजीली अमेंड कर सकते हो, ठीक है, यू कैन अमेंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इजीली। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो रिजिड भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है, उसमें दोनों फीचर्स हैं, ठीक है, ठीक है। सो उसमें कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो रिजिड हैं जिनको आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत इजीली अमेंड कर सकते हो, ठीक है। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन फीचर होता है हमारे फेडरल गवर्नमेंट का और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा यूनिट, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्लेक्सिबल, एक सेकंड यार। सो हमारे ना जो इंडिया में वो दोनों है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिजिड भी है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इजीली अमेंड हो सकते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है तो मान लो हाँ फेडरल गवर्नमेंट ही ले लो, हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। मान लो सेंटर चाहता है इसी को बदलना है, ठीक है, सेंटर चाहता है जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट में या यूनिटरी सिस्टम में बदलना है, उसको यूनिटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो फेडरल सिस्टम लगा हुआ है देश में उसको यूनिटरी सिस्टम में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। लेकिन सॉरी गाइस, लेकिन इसको करना ना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपको अमेंड करना पड़ेगा, प्लस आपको आधे से ज़्यादा स्टेट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, मोर देन हाफ स्टेट ऑफ हार्स, मोर देन हाफ मतलब
आधे से ज़्यादा स्टेट्स की आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये आता है हमारा रिजिड फीचर में, ठीक है, आप इनको इजीली अमेंड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको आपको स्टेट्स की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप इजीली अमेंड कर सकते हो, तो वो चीज़ें आती है फ्लेक्सिबल में, ठीक है। सो इंडिया के अंदर दोनों हैं। नेक्स्ट वन, ठीक है, अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, दैट इज़ योर फीचर नंबर सिक्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सिक्स वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे कौन है, सुप्रीम कोर्ट, देन हमारे हाई कोर्ट हैं, ठीक है, स्टेट्स के, देन हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, ठीक है, ये है ना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, सरकार इनके ऊपर कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी फीचर होता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सेवन, बिकामेरल सिस्टम, डेट इज़ योर लास्ट फीचर ऑफ योर फेडरल गवर्नमेंट, डेट इज़ बिकामेरल सिस्टम। बिकामेरल, जब हमने अपना पहला ही चैप्टर कवर किया था तो हमने बताया था बिकामेरल सिस्टम क्या होता है। बिकामेरल सिस्टम होता है जिसमें, मान लो ये पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, तो इसके ना बिकामेरल सिस्टम में पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, वन इज़ कॉल्ड लोअर हाउस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड अपर हाउस, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड बिकामेरल सिस्टम, मतलब जिसमें दोनों ही हाउस होते हैं। अगर मान लो दो हाउस ना हो, केवल एक हाउस हो, मान लो केवल लोकसभा लोअर हाउस ना हो, केवल अपर हाउस हो, तो वो बिकामेरल नहीं होगा, वो हो जाएगा यूनिकामेरल, ठीक है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन हमारा फेडरल सिस्टम है तो हमारे पास बिकामेरल सिस्टम है, हमारे पास दो हाउसेज हैं, ठीक है, दो हाउसेज हैं, जैसे ये हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, इसके दो हाउसेज हैं, फर्स्ट इज़ कॉल्ड लोकसभा, सेकंड हाउस इज़ राज्यसभा, ठीक है, एंड राज्यसभा इज़ कॉल्ड द अपर हाउस, ठीक है, एंड लोकसभा इज़ कॉल्ड द लोअर हाउस, ठीक है। और ये क्या है, ये बिकामेरल सिस्टम में ही तो होता है ऐसा बिकामेरल। लेकिन लेकिन जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट, ठीक है, उसमें यार केवल छः स्टेट्स ही ऐसी हैं जिसमें अपर हाउस है और लोअर हाउस भी है, ठीक है, केवल छः स्टेट्स गवर्नमेंट ही ऐसी हैं, ठीक है, बाकी स्टेट्स में यूनिकामेरल सिस्टम है, यूनिकामेरल, उसमें केवल एक हाउस है, लेकिन छः स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें क्या है, बिकामेरल है, ठीक है। और जो यूनियन सेंट्रल लेवल पे क्या है, सेंट्रल लेवल पे हमारा बिकामेरल सिस्टम है, ठीक है। सो ये तो कुछ फीचर्स थे जो फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं। सो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने, क्या कौन कौन से फीचर्स हैं इंडिया के अंदर फेडरल फीचर्स। सो कौन कौन से हैं, सो कौन कौन से फीचर्स थे, नंबर वन, नंबर वन इज ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है, ड्यूअल पॉलिटी, दैट इज स्टेट एंड सेंटर लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट है, ड्यूअल पॉलिटी। नंबर टू इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। थर्ड फीचर इज डिवीजन ऑफ पावर्स, दैट इज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। फोर्थ वन क्या था, फोर्थ वन सुप्रमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, आप उसको टाल नहीं सकते, ठीक है, सुप्रमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर फाइव इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। एंड नंबर सिक्स, नंबर सिक्स क्या था, नंबर सिक्स था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड नंबर सेवन इज बिकामेरल सिस्टम, ठीक है, बिकामेरल सिस्टम। सो ये कुछ फीचर्स थे जो हमारे इंडिया के अंदर हैं, एंड दैट इज ऑफ फेडरल फीचर्स, ठीक है। बट जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना गाइस, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, उसमें कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं। सो वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं कि यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर,
स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखो यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। सो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी तो क्या यार, ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी ना, केवल सेंटर है बाकी तो है ही नहीं, तो सारी पावर्स उन्हीं के पास होंगी, सारी पावर्स उन्हीं के पास होंगी तो सिंपल ही बात है कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है, स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे है? अभी मैंने आपको बताया था जो तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। सो यार देखो, यूनियन लिस्ट अगर आपने नोट किया हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। अगर आपने नोट किया हो यूनियन लिस्ट में, देखो गाइस 98 सब्जेक्ट्स हैं, 98 मतलब 98 चीज़ों के ऊपर यूनियन कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कौन से हैं, स्टेट लिस्ट में बस 59 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब यार यूनियन के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा पावर होगी तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना सेंटर। और देखो कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर दोनों के बीच झगड़ा हो जाए तो सेंटर का कानून है वो लागू होगा। सो यहाँ पे भी सेंटर की पावर ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा होगी तो क्या हो गया, सेंटर स्ट्रॉन्ग हो गया, और सेंटर स्ट्रॉन्ग हो गया तो कौन सा फीचर हो गया, वो हो गया यूनिटरी फीचर, ठीक है। सो ये हमारा जो सबसे पहला फीचर जो हमारे इंडिया के अंदर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। ओके, सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, स्पेलिंग यार गलत हो जाए तो देख लेना, ठीक है, मुझे याद नहीं रहती स्पेलिंग। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना तब चाहे स्टेट्स को मतलब अबोलिश कर सकती है, मतलब मान लो जितनी मतलब दो स्टेट्स हैं उनको मिला के एक बना सकती है, ठीक है, या फिर एक स्टेट है उसके दो पार्ट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहे, और इसके लिए उसको स्टेट्स की परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मान लो ये स्टेट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने सोचा चलो अभी इसके दो हिस्से कर देते हैं, एक छोटी स्टेट ये बना दी, एक छोटी स्टेट भी ये बना दी, और इसको इसके लिए इसकी इसकी परमिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है, वो अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है, ये कुछ बोल भी नहीं पाएगा। तो डिस्ट्रक्टेबल मतलब क्या, सेंटर के बाद ज़्यादा पावर है, ज़्यादा पावर से तो कौन सा फीचर्स हो गया, यूनिटरी फीचर हो गया, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वन कौन सा है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ओ अभी एक बार रह गई, जो इंडिया है ना, इंडिया इज एन इंडस्ट्रिबल, जो हो गया यार इंडस्ट्रिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इसका मतलब क्या है, मतलब जो जो इंडिया है ना, इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को तो बदल सकती है, नई बना सकती है, ख़त्म कर सकती है, ठीक है, चेंज कर सकती है, लेकिन जो होल जो टोटल एक यूनियन है वो तो सेम ही रहेगी ना, मतलब ये हमारा इंडिया है, ये क्या बन गया, मान लो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, सेंटर क्या कर सकता है, स्टेट्स को चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल जो कंट्री है ना वो तो उतनी ही रहेगी ना, ये नहीं कि एक स्टेट उठा के दूसरी कंट्री को दे दी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्या है कि इंडस्टेबल यूनियन है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर क्या था, थर्ड फीचर था सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे इंडिया में क्या है, इस इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो सिंगल है, ठीक है, लेकिन फेडरल सिस्टम क्या कहता है, फेडरल सिस्टम कहता है कि सेंटर का भी गवर्नमेंट यूनियन का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और स्टेट्स का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में केवल सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट्स भी वही फॉलो करती हैं, सेंटर भी वही फॉलो करता है। सो ये किसका फीचर्स हो गया, ये फीचर हो गया हमारे यूनिटरी गवर्नमेंट का, ठीक है, ये फीचर हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट फीचर इज
फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी मैंने आपको बताया था ना दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक होता है रिजिड, एक होता है फ्लेक्सिबल। रिजिड जिसको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल जिसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो रिजिड हैं, जिनको हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको वो जो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जो आसानी से बाई सिंपल मेजोरिटी हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। सो ये फीचर हो गया हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट का। नेक्स्ट फीचर इज़ नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है ना, ठीक है, स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो कौन, जो फेडरल सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम, उसमें स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है इक्वल। मान लो चार स्टेट्स हैं, ठीक है, सो चारों स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। ये हो गया फेडरल सिस्टम का एक फीचर। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, हमारे सिस्टम इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। मान लो ये हमारी लोकसभा है, लोकसभा, ठीक है, इसमें सभी स्टेट्स के एमपी इलेक्ट होके जाते हैं, ठीक है। हरियाणा में देखो लोकसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन वही अगर यूपी से बात करें तो लोकसभा की शायद कितनी, अराउंड 90 सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है, तो इक्वल तो नहीं है ना। तो ये कैसे डिवाइड किए गए, ये डिवाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड की गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो किसी स्टेट्स में कम है, किसी स्टेट्स में ज़्यादा है, तो ये जो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीज़न की गई है ना सीट्स की, रिप्रेजेंटेशन दी गई स्टेट्स को, तो ये एक यूनिटरी गवर्नमेंट का एक फीचर है, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सिक्स्थ, डेट इज़ एमरजेंसी, एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, ठीक है। जो एमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं ना गाइज, वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं। तो एमरजेंसी में क्या होता है, जब एमरजेंसी लागू होती है, हमारे पास तीन टाइप्स की एमरजेंसी होती है। एक तो होती है हमारे पास नेशनल एमरजेंसी, नेशनल एमरजेंसी, ये अलग से एक चैप्टर है, तब हम पढ़ेंगे। एक होती है हमारे पास स्टेट एमरजेंसी, उसी को हम प्रेजिडेंट रूल भी बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है, फाइनेंशियल एमरजेंसी, ठीक है। सो जब ये एमरजेंसी लगती है ना गाइस, एमरजेंसी तब भी लगती है, तो जो हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट की सारी जो पावर है ना वो हो जाती है ख़त्म, ठीक है, और स्टेट चली जाती है थोड़ा डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर। जो स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो सेंट्रल के कंट्रोल में आ गई, तो वो सिंपल है यार कि यूनिटरी सिस्टम हो गया ना, सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो ये जो एमरजेंसी प्रोविजंस है, इट इज़ अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। जब एमरजेंसी लगती है तो सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पावरलेस हो जाती हैं, और जो सीधा सेंटर के हाथ में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। जैसे सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ठीक है, वैसे ही हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कोई बंदा अगर पंजाब से बिलोंग करता है तो पंजाब का सिटीजन नहीं होगा, वो इंडिया का सिटीजन होगा, ठीक है, इंडिया का, पंजाब का नहीं होगा, ठीक है। उसके पास पंजाब की सिटीजनशिप नहीं होगी, उसके पास केवल इंडिया की सिटीजनशिप होगी, ठीक है, केवल सेंटर की, ठीक है। और ये जो सिंगल सिटीजन का फीचर है, दैट इज़ ए फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे पास ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, जैसे IPS, IAS एंड IFS, ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। इसमें जो है देखो, अगर आप बेशक चाहे कौन से भी स्टेट से हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप किसके अंडर जॉब करेंगे, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं करेंगे। अगर आप IAS बन जाते हो, अगर आप IAS, मान लो आप IAS बन गए, ठीक है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब नहीं करोगे, आप आओगे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, नो नॉट स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो दैट इज़ अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो पावर होती है ना, ये होती है राज्यसभा के पास। राज्यसभा चाहे तो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है, ठीक है। जो लोकसभा होती है ना, उसके पास ये पावर नहीं होती, ये पावर केवल राज्यसभा के पास होती है, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स थे, और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे विटो पावर ऑफ, विटो पावर,
और स्टेट्स, मतलब अगर कोई स्टेट बिल लेके आती है तो जो सेंटर अगर चाहे, या ठीक है मतलब स्टेट कोई बिल लेके आई, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बिल लेके आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस बिल को पास होने से रोक सकती है। कैसे रोक सकती है? मान लो स्टेट है, स्टेट ने कोई अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास कर दिया और वो बिल लेके गए फिर गवर्नर के सिग्नेचर के लिए, ठीक है, क्योंकि जब तक गवर्नर पास नहीं करेगा तब तक वो एक्ट तो बनेगा नहीं, वो पास तो होगा नहीं, तो उसको लेके गवर्नर के पास। और जो गवर्नर किसका एजेंट होता है, गवर्नर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक एजेंट होता है, ठीक है। और इसको मान लो बिल पसंद नहीं आया तो ये क्या कर देगा, ये बिल भेज देगा प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट किसकी मानता है, प्रेसिडेंट किसकी मानता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तो मानता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो करने को बोलेंगी प्रेसिडेंट वही तो करेगा। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के ही तो होते हैं, जो जो रूलिंग पार्टी होती है। अगर मान लो स्टेट कोई बिल लेके आई और वो यूनियन को पसंद नहीं आया, तो यूनियन वाया गवर्नर एंड गवर्नर वाया प्रेसिडेंट उसको क्या कर सकते हैं, वीटो पावर लगा सकते हैं, उसको पास होने से रोक सकते हैं। तो क्या मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं, एंड दैट इज़ अ फ्यूचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। एंड नेक्स्ट फीचर कौन सा होगा, नेक्स्ट फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो जो यूनियन लेवल पे क्या होता है, यूनियन लेवल पे होता है प्रेसिडेंट हमारा, ठीक है, ठीक है, प्रेसिडेंट का क्या होता है, अपॉइंट नहीं होता, प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन, ठीक है। लेकिन सेम स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे होता है हमारा गवर्नर, लेकिन गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, गवर्नर को कौन करता है, अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट, एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट में मान लो गवर्नमेंट, स्टेट में मान लो किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन जो गवर्नमेंट होगा ना, लेकिन मान लो स्टेट में मान लो किसी की भी गवर्नमेंट है, लेकिन जो गवर्नर होता है ना वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। सो गाइस ये था आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है, कौन कौन से फीचर्स हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर कौन से दो टाइप्स की गवर्नमेंट थी, ठीक है, वन इज़ फेडरल गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, और सेकंड थी यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। इनके बारे में हमने कुछ फीचर्स पढ़े। इंडिया में वैसे तो कौन सी हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इंडिया में वैसे तो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया को फेडरल ऑफ स्टेट्स रहने की बजाय इंडिया को बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा दो रीजंस की वजह से बोला जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ, इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स, ठीक है। और दूसरा क्या था, दूसरा रीजन ये था, स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो रीजन्स थे जिसकी वजह से इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं और कुछ फेडरल फीचर्स भी हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, तो एक बार दोबारा से उनको रिवाइज कर देता हूँ कि कौन कौन से फीचर्स हैं जो फेडरल फीचर्स हैं। फेडरल फीचर्स में कौन कौन से आते हैं, फेडरल फीचर्स में आता है ड्यूअल पॉलिटी, ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड वन इज डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। फोर्थ वन इज सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेशी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिफ्थ वन इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ वन इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद था बिकामेरल सिस्टम, ठीक है। सेवन्थ इज बिकामेरल सिस्टम, ठीक है, बिकामेरल। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो हमारी इंडिया के अंदर हैं जो फेडरल गवर्नमेंट से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि कैसे हैं,
जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं। अब वो कौन से हैं उनके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। वो है हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स है एज़ कम्पेयर टू स्टेट्स, ठीक है। डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं, स्टेट सेंटर जब चाहे स्टेट्स को नई स्टेट बना सकता है, पुरानी स्टेट को एबोलिश कर सकता है, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट्स। इसे स्टेट्स को पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूछे तो पूछे वरना मत पूछे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मान लो पूछ लिया और उन्हें मना कर दिया तो भी इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। एंड फोर्थ वन क्या था, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल, ठीक है। सिक्स्थ वन था नो इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो पॉपुलेशन के बीच बेसिस पे दी जाती है, जिसमें कोई इक्वालिटी नहीं होती, किसी के पास कम सीट्स होती हैं, किसी के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सेवन्थ, सेवन्थ फीचर्स क्या था, एमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। एमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बन जाती है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली सेंटर के हाथों में चली जाती है और पावर ख़त्म हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था इंटीग्रेटेड, ये हमने नहीं किया ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या होता, मतलब इंटीग्रेटेड क्या होता, सबसे पहले होता सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता हाई कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। इसमें था देखो, जो फेडरल वाला था ना, ये था इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मतलब जो हमारे जुडिशरी ना वो इंडिपेंडेंट है, सरकार का उससे कोई वो नहीं है, ठीक है, सरकार उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकती। और ये इंटीग्रेटेड, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब आपस में जुड़ा हुआ, मतलब सबसे ऊपर स्टेट सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके अंदर स्टेट हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, मतलब ये एक टाइप का सेंट्रलाइज सिस्टम आप कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट था ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। टेंथ था वीटो पावर ओवर स्टेट्स बिल्स, वीटो पावर ओवर स्टेट्स बिल्स। एंड नेक्स्ट वन था अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। देखो कोई भी ऐसा फीचर होना, कोई भी ऐसा फीचर अगर आपको पता चले जिसके अंदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स दी गई हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा ऊपर बताया गया है, तो वो फीचर होता है हमारा यूनिटरी फीचर। और जिसके अंदर दोनों को इक्वल पावर्स दी गई हों, वो फीचर होगा हमारा फेडरल फीचर। इस बात को याद रखना है, यूनिटरी फीचर्स वो होंगे जिसके अंदर सेंटर को थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जाएगी। अगर आप इन सारे फीचर्स को पढ़ो तो इनमें सारों को सारे में सेंटर के पास थोड़ी ज़्यादा पावर लगती है, ठीक है। आप देख लो, स्ट्रॉन्ग सेंटर की तो होगी, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स मतलब सेंटर जब जाए स्टेट्स को एबोलिश कर सकता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसको सेंटर, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सेंटर तब जाए कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, लेकिन रिजिड में ऐसा नहीं होता, रिजिड में आपको स्टेट्स की भी परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन फ्लेक्सिबल में स्टेट्स की परमिशन नहीं लेनी होती, तो सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो गई ना। नो इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन इक्वली नहीं दिया गया, किसी के पास ज़्यादा सीट्स है, किसी के पास कम सीट्स है। एंड सेकेंड इज एमरजेंसी, इसमें तो ऑल ओवर मतलब सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो ही जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, वीटो पावर्स, मतलब इन सभी में अगर आप देखो तो सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई हैं, और जिसमें सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई है ना, वो होता है यूनिटरी फीचर। सो गाइस दैट्स ऑल, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ तो नहीं है, बट मैंने सब यहीं कवर कर दिया, सो पीडीएफ की ज़रूरत भी नहीं थी। आप क्या करना, आप अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बना लेना यार, और स्लो लगे तो 2x में देख लेना, और पढ़ते रहो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारा सिलेबस ऐसे ही कवर करेंगे, ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।